जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ एक तरफ इंग्लैंड के हाथों भारत की हार और दूसरी तरफ जायरा वसीम, दो बेहतरीन फिल्मों में अदाकारा का किरदार निभाने के बाद जायरा वसीम ने इस्लाम के नाम, धर्म के नाम अपने फिल्मी करियर को कुर्बान कर दिया। अब आप कहेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या मेल है, मैं आपको समझाऊंगा, मगर सबसे पहले शख्स की बात करते हैं। इनका नाम है जायरा वसीम। फिल्म दंगल आपको याद होगा, आमिर खान की बड़ी बेटी का किरदार इन्होंने निभाया था जायरा वसीम ने, मगर उसके बाद एक और फिल्म उनकी आई सीक्रेट सुपरस्टार। और क्या आप जानते हैं सीक्रेट सुपरस्टार में इनका किरदार आमिर खान से भी ऊपर था। सही मायनों में फिल्म की नायिका या नायक जो भी आप कहें वो जायरा वसीम थी। विडंबना की बात ये कि सीक्रेट सुपरस्टार में जायरा का किरदार एक ऐसी मुस्लिम लड़की का था जिसका मुस्लिम पिता धर्म और सक्री सोच की आड़ में उसे गाने नहीं देता, मगर मां का साथ मिलने के बाद और आमिर खान का जो किरदार था उसका साथ मिलने के बाद जायरा को सही मायनों में आजादी हासिल हो जाती है और उसके बाप की हार हो जाती है। मगर क्या आप जानते हैं कि मजहब के सामने, रूढ़िवाद के सामने जायरा की असल जिंदगी में हार हो गई है। यह अपने आप में विडंबना है, सही मायने में विडंबना है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और दुख की बात यह है कि हमारे समाज के कई तथाकथित लिबरल्स, कई तथाकथित मुस्लिम पत्रकार, मुस्लिम विचारक वो कह रहे हैं कि भाई जायरा ने अगर मजहब के नाम पर अपने फिल्मी करियर को कुर्बान कर दिया तो यह उसका निजी फैसला है। उनका यह कहना है कि अगर नुसरत जहां सिंदूर लगा सकती हैं, बिंदी लगा सकती हैं और ये उनकी निजी आजादी है तो जायरा की भी निजी आजादी है कि वो धर्म के नाम पर अपने फिल्मी करियर को कुर्बान कर दें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा मुद्दा क्या है। बहुत ही सुविधावादी तरीके से ये तथाकथित लिबरल्स और ये तथाकथित मुस्लिम विचारक, मुस्लिम पत्रकार मुद्दों से आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जायरा के इतिहास को थोड़ा समझना पड़ेगा। इस तस्वीर को देखिए, यहां पर वो मुलाकात कर रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से, और उस वक्त आपने इनकी हेयर स्टाइल देखी है, बाल कटे हुए थे। जब उन्होंने महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी तो कश्मीर में कई आवाजें उठी और कश्मीर ने, कई लोगों ने इसे श्राप दिया कि तुझ पे बिजली गिर जाए। एक लड़की जिसकी उम्र शायद 16 साल भी नहीं थी उस वक्त, 15 साल भी नहीं थी उस वक्त, उस पर तोहमतें जड़ी गईं। कट्टरपंथियों ने कहा कि तुम पर बिजली गिर जाए, तो जायरा को उसके चलते माफी मांगनी पड़ी थी। फिर उन्होंने उस माफीनामे को डिलीट किया, यानी कि इस लड़की के जिंदगी में कहीं ना कहीं कट्टरपंथ का, सक्री सोच के लोगों का एक दबाव लगातार बना रहा। अब हुआ क्या, दो दिन पहले जायरा ने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूं मगर मेरी सोच, मेरा फेथ और मेरा मजहब मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं फिल्मों में काम करूं, लिहाजा अपने मजहब के लिए मैं अपने करियर को कुर्बान कर रही हूं। आप कह सकते हैं कि भाई ये उनका निजी फैसला है, बिल्कुल उनका निजी फैसला है, मगर आप, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग इसे डिफेंड कर रहे हैं और जो लोग नुसरत जहां इस लड़की से उसका की तुलना कर रहे हैं जिसने सिंदूर लगाकर संसद में, तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, सिंदूर लगाकर इन्होंने संसद में पद और गोपनीयता की शपथ ली और नुसरत जहां की शादी एक हिंदू या एक तरह जैन से हुई है शादी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जायरा के मामले में क्या क्या चीजें हैं जो मुझे सही नहीं लगी। सबसे पहली बात, आपने ये यूथ को यह संदेश देने की कोशिश की कि इस्लाम इजाजत नहीं देता हमें फिल्मों में काम करने के लिए।
यानी कि आप जो कि एक प्रेरणा स्रोत हैं कई मुस्लिम युवकों, और सिर्फ मुस्लिम युवकों के लिए नहीं, कई हिंदू युवकों और युवतियों के लिए आपने उन्हें ये प्रेरणा दी कि इस्लाम इजाजत नहीं देता हमें फिल्मों में काम करने के लिए। अब इन नामों पर गौर कीजिए, मधुबाला, मीना कुमारी, और ये तीसरा नाम वहीदा रहमान। इनसे बड़ी अभिनेत्रियां इस फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं हुई हैं, कोई नहीं हुई हैं। और इस चौथे नाम पर गौर कीजिए, हो सकता है ये महान अभिनेत्रियों के फेहरिस्त में ना आए, कैटरीना कैफ, सुपरस्टार कैटरीना कैफ। ये सब मुसलमान। अगर जायरा के तर्क से हम जाना चाहें तो इन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अब हम इस बात पे गौर करें कि पिछले 10-15 सालों में या पिछले 2 दशकों में यह कहा जाए कि अमिताभ बच्चन के फेड होने के बाद, एक जमाने में अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, मगर 1995 के बाद उनका सुपरस्टार का दौर खत्म हो गया। 1995 से अब तक 15 + 9 = 24 साल हमारी फिल्म इंडस्ट्री के 3 सुपरस्टार्स कौन रहे हैं? सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। हमने जब भी इनसे मोहब्बत की, क्या कभी सोचा कि ये मुसलमान हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि पिछले 4 सालों में हमें बार बार, खासकर आमिर खान और शाहरुख खान को यह आभास दिलाने की कोशिश की गई है, जिस तरह से उन्हें भक्तों ने, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने इन्हें टारगेट किया है, इन्हें आभास दिलाने की कोशिश की गई है कि ये मुसलमान हैं, मगर जब हमने इनसे मोहब्बत की तो क्या कभी हमने सोचा कि ये मुसलमान थे? और भी कई नाम हैं, फरहान अख्तर, नौशाद साहब, मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने तो कितने खूबसूरत भजन गाए थे, याद है आपको, मन तड़पत हरिदर्शन को आज। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि इनमें से, ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक अरसे से रीढ़ टैलेंट, ऐसे कई लोगों का योगदान रहा है जिसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लिहाजा ये कहना कि मजहब मुझे इजाजत नहीं देता, मुझे इसमें आपत्ति है। चलिए, जायरा वसीम की मैं ये बात भी मानने को तैयार हूं कि आप मजहब के लिए अपने फिल्मी करियर को कुर्बान कर दें, कोई बात नहीं, ये आपका निजी फैसला है, आप कर सकती हैं, मगर इसमें आपत्ति नंबर 2, क्या आपको इसे सार्वजनिक करना चाहिए था? कि आपको सार्वजनिक करके इतना लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण देते हुए उसे कुरान के साथ जोड़ना, उसे अल्लाह के साथ जोड़ना, यानी कि एक क्रिएटिव फील्ड को धर्म और मजहब के साथ जोड़ना, क्या यह सही था? अगर आपको लगता है कि आपका निजी फैसला है तो आपको उसे अपने निजी दायरों तक रखना चाहिए था। बात सही है कि नहीं? इससे नुकसान किसका हुआ है दोस्तों? इससे नुकसान किसी और का नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय का हुआ, और मैं आपको क्यों बताता हूं। क्योंकि अब इस मुद्दे को थाम कर जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, ये जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं हिंदुत्व में, वो लोग अब लगातार टारगेट करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि वो अपने धर्म को क्या कर रहे हैं, ये हिंदू ये नहीं देखेंगे कि इस कट्टरपंथ में तुम भारत का क्या हाल बना रहे हो, तुम हिंदू धर्म का क्या हाल बना रहे हो, मगर अब इस बात को थाम कर वो लोग लगातार टारगेट करेंगे कि देखो साहब, इस्लाम में तो इजाज़त ही नहीं है। अब मैं आना चाहूँगा उन तथाकथित पत्रकारों, उन लिबरल समाज के लोगों में जो कि कह रहे हैं कि ये तो उनका निजी फैसला है। वो ये भी कहते हैं कि जब नुसरत जहां का निजी फैसला है सिंदूर और बिंदी लगाना, तो जायरा का भी तो निजी फैसला होना चाहिए। नहीं, आपकी तुलना सरासर गलत है। जायरा ने अगर मजहब के लिए, इस्लाम के लिए फिल्मी करियर को कुर्बान कर दिया, तो इसकी तुलना होनी चाहिए किस तरह से नुसरत जहां को मुसलमानों में जो मौलवी हैं, खासकर जो कट्टरपंथी तबका है, वो लगातार टारगेट करता रहा, जो कि नुसरत जहां की शादी को गैर इस्लामी बताता रहा। आपको तुलना उससे करनी चाहिए। आप सिंदूर की तुलना जायरा वसीम ने मजहब के लिए, जो अपने पूरे फिल्मी करियर को, अपने करियर को कुर्बान कर दिया, उसके साथ नहीं कर सकते हैं। किसी ने मुझसे ये भी कहा, अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान आदमी से शादी कर लेती और वो हिजाब पहन लेती, तब भी क्या आप ये कहते? सबसे पहली बात, मेरे लिए हिजाब और घूंघट दोनों के एक ही मायने हैं।
कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं एक पुरुष प्रधान मानसिकता को। मैं इन दोनों को, चाहे घूंघट हो चाहे हिजाब हो, अगर वो अपनी स्वेच्छा से ना पहना गया हो, अपनी मर्जी से ना पहना गया हो, मैं दोनों को ही गुलामी का प्रतीक मानता हूं। मगर सवाल यहां पर यह है कि क्या आप इसे धार्मिक आजादी का प्रतीक मान सकते हैं? और हमारा दूसरा विषय है आज वर्ल्ड कप क्रिकेट और इंग्लैंड के हाथों भारत की हार। मगर क्या आप जानते हैं कि जब इंग्लैंड के हाथों भारत की हार हुई है तो यहां भारत में ऐसे कई लोग हैं जो कि खुशी मना रहे हैं। खुशी किस बात की? कि हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। सबसे पहले तो अपने आप में गलत बात है दोस्तों, क्योंकि अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड के साथ जो उसका अगला मैच है वो हार गया और पाकिस्तान अपना अगला मैच जीत गया तो पाकिस्तान सीधे तौर पर सेमीफाइनल में आ जाएगा। दूसरी बात, खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, शिव ना करे, अगर भारत अपने अगले दो मैच हार गया, इंग्लैंड अपना अगला मैच जीत गया और पाकिस्तान अपना अगला मैच जीत गया और भारत की रन रेट कम रही तो सेमीफाइनल में पहुंचने के भारत के लाले पड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि भारत को अब भी एक पॉइंट की दरकार है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। तो जो लोग खुशियां मना रहे हैं ना कि हमने पाकिस्तान को बाहर कर दिया, उनकी खुशी ही अपने आप में निराधार है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर दोस्तों सच तो ये भी है कि मैं ये जानता हूं, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी में हमने लीग मैच में पाकिस्तान को हरा दिया था, मगर आपको याद है फाइनल में उन्होंने हमें बुरी तरह से हराया था। तो वो डर तो हर क्रिकेट प्रेमी के अंदर है, मेरे अंदर भी है। मगर मुझे कल भारत की हार पर कुछ भारतीयों में जो जश्न का माहौल था, मुझे उस नकारात्मकता पर बहुत अफसोस हो रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आपके अंदर एक मुल्क से इतनी ज्यादा नफरत है कि आप खुद को बेहतर करने के जरिए नहीं ढूंढ रहे हैं, यानी कि आपको इस बात की चिंता नहीं है कि पिछले दोनों मैचेस जो भारत जीता है, चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ चाहे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये दोनों ही मैचेस हम बहुत मुश्किल से जीते हैं। इन दोनों ही मैचेस में ये साबित हुआ है कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर का जो बल्लेबाजी है वो पूरी तरह से धराशायी हो रही है, वो बहुत ही कमज़ोर कड़ी है। और इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारी मजबूत कड़ी थी, यानी कि हमारी गेंदबाजी, वो भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। चौथी बात, हमारे जो दो विकेट टेकिंग गेंदबाज थे, कौन, एक तो चहल और दूसरा कुलदीप, उन्होंने अपने 20 ओवर्स में 160 रन पिटवाए। यानी कि नंबर एक, हमारी गेंदबाजी जो हमारी ताकत है वो कमजोर हो रही है। नंबर दो, हमारा जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी है वो कमज़ोर साबित हो रहा है। और नंबर तीन, हम ढलान पर हैं। पिछले दो मैचेस हम हार रहे थे, जीत गए किसी तरीके से, और अब इंग्लैंड के खिलाफ हम हार गए। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे टीम का परफॉर्मेंस बद से बदतर होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, और सिवाय विराट कोहली और रोहित शर्मा के टीम के अंदर कोई बल्लेबाज नहीं है जो दमखम दिखाए। कुछ हद तक कह सकते हैं कि हरिन जो पांड्या हैं वो कर रहे हैं, बाकी सब जो हैं वो इस वक्त कमज़ोर बल्लेबाज हैं। और हमें खुशी इस बात की कि साहब हमने पाकिस्तान को बाहर कर दिया। मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहूँगा दोस्तों, इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की साख सबसे ऊपर है, भारत की क्रिकेट टीम की साख सबसे ऊपर है, ICC नतमस्तक है, जो क्रिकेट की तमाम बॉडीज को गवर्न करती है ICC, वो हमारे सामने नतमस्तक है। इसका एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको देना चाहूंगा। क्या आपने एक बात पे गौर किया है कि भारत के जितने भी मैचेस हुए हैं क्रिकेट के अब तक मुकाबले के, सभी छुट्टी वाले दिनों में हुए हैं। क्यों? क्योंकि छुट्टी वाले दिनों में लोग घरों में रहते हैं, लोग क्रिकेट देखते हैं। विज्ञापनकर्ताओं को, जो एडवर्टाइजर है, उन्हें ज्यादा फायदा होता है। ऐसा किसी और टीम के साथ नहीं हुआ है, सिर्फ भारत के साथ हुआ। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में हमारी असीम ताकत है। एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो दबदबा था, अब वो भारत का हो गया है। ऐसे में क्रिकेट की जो नंबर वन टीम है ICC की, और क्रिकेट की जो सबसे ताकतवर टीम है भारत, उसमें रहने वाले लोगों की इतनी छोटी सोच कि हमें तो खुशी इस बात की है साहब कि पाकिस्तान को हमने हरा दिया। अरे पहले आप अंदर झांकिए,
आप ये देखिए कि आपकी टीम का परफॉर्मेंस, हमारी टीम का परफॉर्मेंस बद से बदतर हो रहा है। हमें चिंता उस बात की होनी चाहिए, मगर हमें खुशी इस बात की है कि साहब हमने पाकिस्तान को बाहर कर दिया। और इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है मानसिकता का। दोस्तों, आज की तारीख में जब भी कोई सवाल पूछा जाता है ना कि साहब, जब मैं सवाल करता हूं कि साहब मुसलमानों के साथ या दलितों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे पलट के कोई लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान में देखो वहां क्या होता है, सीरिया में देखो, इराक में देखो। यानी कि जो देश अमेरिका, जापान, चीन जैसा पावर हाउस बनने का सपना देखना चाहता है, अब उसके लिए तुलना के लिए कौन रह गया है? पाकिस्तान, सीरिया, इराक। सच तो ये दोस्तों कि हमने अपना मजाक बनाकर रख दिया है। आई कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल। मगर इस हकीकत से आप खुद को जुदा रखना चाहते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। तो ऐसे में दोस्तों, इंग्लैंड के हाथों भारत की हार और भारतीय समर्थकों का नकारात्मक रवैया, और दूसरी तरफ ज़ायरा वसीम का अपने करियर को मजहब के साथ जोड़ना, ये दोनों ही नकारात्मक सोच का परिणाम हैं, ये दोनों ही नकारात्मक सोच का प्रतीक हैं। और हमें इससे बच के रहना चाहिए, हमें सोच से बच के रहना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 4 या 5 सालों में जो माहौल देश का बन रहा है, और उस माहौल के चलते हम में से कई लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं ना, वो हम साबित कर रहे हैं कि हम लोग कितनी छोटी सोच के लोग बनते जा रहे हैं, छोटी ज़हनियत के लोग बनते जा रहे हैं। हमें इस सोच से उबरना होगा, वरना यकीन मानिए दोस्तों, वक्त गुजर जाएगा और जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें लगेगा कि काश हमने खुद पर अंकुश पाया होता, काश हमने इन गलतियों पर काबू पाया होता। मगर तब तक वक्त गुजर चुका होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें गाली दे रही होंगी। बात याद रखिएगा, और मेरी ये सलाह तथाकथित इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए भी है और हिंदू कट्टरपंथियों के लिए भी है, मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाज़त, और मेरी आप सबसे अपील कि न्यूज़ चक्र के शो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और न्यूज़ क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।